तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक नए फीचर के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था जिसमें बताया था व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में, जिसमें मैसेज रिएक्शन वाला फीचर को वहां पर रोल आउट कर दिया गया था। दोस्तों आज जो मैं नया अपडेट बताने वाला हूं, बोल सकते हैं नया फीचर बताने वाला हूं, वो भी उसी से रिलेटेड है। वहां पर क्या था, पहले आपको लिमिटेड थे 5 या 6 जो भी इमोजेस दिखते थे आपको, सिर्फ वही आप वहां पर सेंड कर सकते थे। बट अब वहां पर उसको लिमिट को हटा दिया गया है। अब आप अपने मोबाइल में जो भी आपके पास व्हाट्सएप में अगर किसी को कोई मैसेज रिएक्शन भेजना है तो जितने भी वहां पर इमोजीज आपको अवेलेबल होते हैं व्हाट्सएप में आप सब भेज सकते हैं। कैसे, वो आगे आपको अपडेट में बताने वाला हूं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में, नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है रिएक्शन मैसेज रिलेटेड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप लोग को जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। ये जो फीचर बताने वाला हूँ ये फिलहाल बीटा वर्जन के लिए है। अगर आप बीटा यूजर हैं तो हो सकता है आपको इस अपडेट के बाद ये फीचर मिल जाए, अगर नहीं मिले तो आपको नेक्स्ट अपडेट के लिए उसको थोड़ा वेट करना रहेगा। तो उसको ओपन कर लेना है अपडेट करने के बाद। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अपनी कोई सी भी चैट पर चले आना है। अगर आपने कभी पहले रिएक्शन मैसेज भेजा होगा तो आपको पता होगा रिएक्शन मैसेज भेजने के लिए करते क्या थे, सिंपली हमने यहाँ टैप करा तो हमें ये रिएक्शन मैसेज के ऑप्शन आते थे। हम कोई सा भी यहाँ पर इमोजेज जो यहाँ पर दिखते थे 5-6 यहाँ पर जो इमोजेज रहते थे, हम इसमें से कोई सा भी इमोजेज वहाँ पर सेंड कर सकते थे। बट अब नए अपडेट में क्या गया है, अब यहाँ पर आप कोई सा भी इमोजेज को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं जो भी आपके कीबोर्ड में आपको दिखता है। कैसे, ये नए अपडेट में यहाँ पर दे दिया गया है। लाइक मुझे यहाँ पर कोई दूसरा इनमें से हटा के कोई वहां पर भेजना है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया फीचर के बाद यहाँ प्लस का निशान दिख रहा होगा जो कि पहले नहीं आता था। इस अपडेट के बाद यहाँ पर प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा कीबोर्ड खुल जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो भी भेजना है, लाइक मैंने ये भेज दिया तो ये भी भेज सकता हूँ। अगर और कोई डिफरेंट भी भेजना है तो वापस प्लस पे क्लिक करूंगा और जो मुझे दूसरा भेजना है, लाइक मैंने यहाँ पर क्या भेजना है, ये मैंने आंखें भेज दी, आप देख रहे हैं वो चला गया। ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरा भेजना है तो पहले ही आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप करके इसको हटाना है, फिर यहाँ पर दबाना है, फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो और आपको सारे मिल जाएंगे जो भी आपको भेजना है। कोई सा भी भेज सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पहले जो लिमिट थी अब वो लिमिट हटा दी गई है। जो भी आपको भेजना है सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे और वो वहां पर सेंड हो जाएगा। तो कमाल का ये वाला नया अपडेट दे दिया गया है। पहले जो लिमिटेशन थी आपको भेजने की, अब उसको दूर कर दिया गया। आप कोई सी भी जगह पे हो, कोई सा भी मैसेज हो जो आपने भेजा हो या आपके पास आया हो, आप किसी पे भी रिएक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहां पर जो भी आपको भेजना हो आप क्लिक करेंगे और वो वहां पर सेंड हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर सेंड हो चुका है। तो यही नया अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद आए तो प्लीज यार लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है मेरी कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मैं डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।